Welcome students. Let's begin with the new chapter Reach for the Top taken from the Bih Book of the class 9th. In this particular video, I will give you a brief summary of the lesson Reach for the Top Part 1 Santos Yadav. Santos Yadov जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर दो बार विजय प्राप्त की ऐसा करने वाली वह वा संसार में अकेली महिला है वो समाज में जन्मी उस सोसाइटी में जन्मी जिसमें एक लड़के ने पुत्र का जन्म एक ब्लैसिंग माना जाता था एक वरदान माना जाता था और लड़की का स्वागत नहीं किया जाता था एक साधु ने संतोष की माँ को यह सोचकर ब्लेस किया आशीर्वाद दिया कि वो एक लड़का चाहती थी परंतु संतोष की दादी ने उससे कहा कि वे लड़का नहीं चाहते इसलिए साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने संतोष की मदर को आशीर्वाद दिया तो यह घटना एक छोटे से गांव हरियाणा हरियाणा स्टेट के रेवारी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से विलेज जोशियावार की है जहाँ पर संतोष की फैमिली रहा करती थी यह एक छोटा सा गांव जिसमें संतोष के पांच भाई बहन थे और वो सबसे छोटी अपने भाई बहनों में से सबसे छोटी बहन थी संतोष जैसा कि नाम से स्पष्ट इस है इसका मतलब होता है कंटेनमेंट मीन्स संतुष्टि संतोष ने अपने जीवन के शुरुआत में ही यह डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ को अपने जीवन को अपने तरीके से जिएगी वो दूसरी लड़कियों की तरह एक ट्रेडिशनल परंपरावादी ड्रेसेस नहीं पहनती थी और एक छोटे कपड़े पहना करती थी शॉर्ट पहना करती थी उन्होंने कहा कि वह एक सही रास्ता चुनने के लिए बिल्कुल डिटर्मिन है दूसरों को स्वयं को बदलना था न कि उसे बदलना था चाहती थी कि वह उस सिस्टम से लड़ेगी और उस सिस्टम से लड़ते लड़ते दूसरों को चेंज करेगी न कि खुद को संतोष के पेरेंट्स रिच थे बहुत धनी लैंडलॉर्ड थे वे उसी शिक्षा के लिए एजुकेशन के लिए कैपिटल दिल्ली भेज सकते थे परंतु उन्होंने उसे उस गांव के ही एक स्कूल में भेजा तो अब संतोष ने उस सिस्टम से लड़ने का डिसाइड किया जो सिस्टम लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा करता था और उस गांव में यानी हरियाणा स्टेट के उस छोटे से गांव में एक ट्रेडिशन था वहां का कि 16 वर्ष की आयु होते होते लड़कियों की मैरिज कर दी जाती थी शादी कर दी जाती थी परंतु यहाँ पर संतोष ने मना कर दिया सी रिफ्यूज टू मैरी जैसा कि अधिकांश लड़कियों की दे गेट मैरिड एट द एज ऑफ सिक्सटीन और उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी ये वार्निंग दी ये चेतावनी दी कि सी वुड नॉट सी वुड नेवर मैरी इफ सी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन यदि उसे सही शिक्षा नहीं दी तो कभी भी शादी नहीं करेगी तो यहाँ पर संतोष डेहली के एक स्कूल में एडमिशन ले लेती हैं और वहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए चले जाती हैं लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि यदि वो उनके मर्जी के ख़िलाफ़ दिल्ली में पढ़ने जाएगी तो उनकी उसकी वो स्कूल की फीस नहीं देंगे लेकिन संतोष तो बड़ी डिटरमिन लड़की थी उसने कहा कोई बात नहीं यदि वो पैसा नहीं भेजेंगे उसकी फ़ीस के लिए तो वो पार्ट जॉब करेगी पार्ट टाइम जॉब करेगी कोई और काम करेगी और अपनी फीस का भुगतान करेगी अपनी फीस को पेड करेगी इसलिए इसके बाद वह हाई स्कूल पास करने के बाद जयपुर चलेगी और वहाँ महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसके सामने एक हॉस्टल जो कस्तूरबा हॉस्टल के नाम से जाना जाता था वहाँ पर एक रूम ले करके उस हॉस्टल में रहने लगी तो सामने उस कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली की बहुत पहाड़ियाँ थीं और वो देखती थी कि कई लोग उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं और उसके बाद वो अदृश्य हो जाते हैं तो इससे उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर ये लोग कौन हैं और कैसे वो डिसपेयर हो जाते हैं एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो सब इन अदृश्य होते हुए जो क्लाइंबर्स थे उनको खुद देखेगी वो कहाँ जाते हैं तो वो वहां गई पहाड़ी पर उसने देखा कि कुछ क्लाइम्बर्स के अलावा वहां पर कोई और नहीं था क्लाइम्बर मीस जो पहाड़ में क्लाइम करते हैं चढ़ते हैं तो उन्होंने उसे बड़ा इंकरेज किया क्लाइंबिंग करने के लिए देयर बस नो लुकिंग बैक और वो दिन था उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ करके के नहीं देखा और वो लगातार उनके साथ क्लाइंबिंग करने लगी इतने में संतोष ने कुछ पैसा बचा लिया और अपने आप को उत्तरकाशी उत्तराखंड के एक स्थान उत्तरकाशी पर जहाँ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था वहाँ पर एडमिशन ले लिया माउंट माउंटेनियरिंग में चूंकि वह डायरेक्टली जयपुर से आ, उसको घर जाना था लेकिन वो वह वहाँ ने जाकर के वो सीधे उत्तरकाशी चले गई तो उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा जिसमें उसने अपोलाजाइज किया उसमें अपने क्षमा मांगी कि वह बिना बताए हुए उत्तरकाशी गई और उसने वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट था माउंटेनियरिंग का वहाँ एडमिशन ले लिया उसके पश्चात हर एक वर्ष संतोष यादव एक से एक अभियान पर जाती रही उसके अंदर जो कोल्ड cool था ठंड थी और हाई एल्टीट्यूड था उसके विरुद्ध लड़ने के लिए उसके बॉडी में रेसिस्टेंट पैदा हो गया प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होगी एनर्जी उत्पन्न होगी उनकी जो डिटर्मिन uh, था उसका फिजिकल इंज्योरेंस था शारीरिक जो शक्ति थी और मेंटल टफनेस थी जो मानसिक कठोरता थी वो उसके अंदर कूट कूट करके भर गई और इससे उसके जो एफर्ट्स थे उसके जो प्रयास थे उससे परिणाम आने लग गए तो 1988 में उसने अरावली जो क्लाइंबर्स थे उनसे पूछा कि क्या वह उनके एक्सपेडिशन में शामिल हो सकती है तो इस तरीके से 1992 में उसकी शानदार सफलता का एक वर्ष बन गया जब वह केवल ओनली एट द एज ऑफ ट्वेंटी बीस वर्ष की अवस्था में उसने माउंट एवरेस्ट पर विजय पाली इस प्रकार वो इसे प्राप्त करने में संसार की सबसे कम उम्र वाली महिला बन गई वह समान रूप से जो उसके आ, साथी कंपेनियन क्लाइम्बर्स थे उनके लिए एक सहायक के रूप में भी काम कर करने लगी और उनकी भी हेल्प करने लगी साथ ही साथ 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने अपने आप में जो आ, उसके अंदर जो मानवता थी दूसरे क्लाइम्बर्स के लिए दूसरे आ, उनके जो साथी थे उनके लिए जो हेल्प हेल्पिंग नेचर था वो भी सामने खुल कर के आए जब साउथ कोल पर एक उनका साथी जिसका नाम मोहन सिंह था वो लगभग मरा हुआ पड़ा पड़ा क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो खत्म हो गया तो संतोष ने उसके साथ अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को शेयर किया और इस प्रकार उसकी जान बचा ली इसी बार बारह महीने में एक साल के अंदर संतोष को इंडो नेपालीज वीमेन एक्सपिडिशन में इनवाइट किया गया उसको वहाँ आमंत्रित किया गया और वो इसकी एक मेंबर बन गई तब उसने एवरेस्ट पर दोबारा विजय प्राप्त कर ली उसने एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली अकेली महिला का रिकॉर्ड बना डाला। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी इस अचीवमेंट को पहचाना रिकॉग्नाइज किया और उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया पद्मश्री ये राष्ट्र के सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड हैं उनमें से एक है तो संतोष ने अपनी भावनाओं का अपने इमोशन का वर्णन तब किया जब वो संसार की सबसे ऊंची चोटी पर थी यानी माउंट एवरेस्ट पर थी उसने कहा कि उसे उस क्षण को समझने में कुछ समय लगा उसने भारत का तिरंगा फहराया वो उस क्षण का वर्णन नहीं कर सकती उसने संसार की चोटी पर तिरंगा लहराने लहराते हुए देखा यह उसके लिए एक आध्यात्मिक क्षण था एक स्पिरिचुअल मोमेंट था उसने भारतीय होने के गर्व को अनुभव किया संतोष ने एक पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया जब वह इस एक्सपीडिशन पर थी एवरेस्ट की और जब वापस आ रही थी तो वहाँ लगभग जो चारों तरफ गार्बेज फैला हुआ था कचरा फैला हुआ था लगभग 500 हंड्रेड किलोग्राम्स जो गार्बेज था उसको हिमालय से लेकर के नीचे उतरी यानी उसने उस पर्यावरण को साफ करने का भी आ, काम किया तो ये इस तरीके से एक शानदार स्टोरी है संतोष यादव की किस प्रकार उसने एवरेस्ट पर दो बार कैंक्वेर किया उस पर विजय हासिल की तो यह पैसेज था इस आ, समरी के एंड में आपके लिए सॉल्व पैसेज दिया गया है कुछ क्वेश्चन हैं। आप इस पैसेज को पढ़िए और इनके आंसर दीजिए एक और पैसेज सेकेंड पैसेज है और उसमें भी उससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आप उनको ध्यान से पढ़िए और इसमें आपको आंसर भी मिले इन स्लाइड देर आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लेसन आपको इन क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करना है और इसके साथ ही आपको इन क्वेश्चन के थ्रू इस स्टोरी को भी समझने में हेल्प मिलेगी और एंड में आपके लिए एक होम असाइनमेंट दिया गया एक पैसेज है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और उन क्वेश्चन आंसर का को आप इस पैसेज से सॉल्व कीजेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ पीपल संतोष पेरेंट्स संतोष के पेरेंट्स किस प्रकार के व्यक्ति थे किस प्रकार के लोग थे तो बड़ा सिंपल आंसर आपको मिलेगा कि संतोष के पेरेंट्स रिच फैमिली के थे रिच लैंडलॉर्ड्स थे आंसर हो सकता है संतोष

गांव का स्कूल है वहां क्यों भेजा गया क्योंकि इसलिए भेजा गया क्योंकि गर्ल्स को स्कूल भेजने के लिए गांव से बाहर नहीं भेजा जाता था आपको आंसर इस पैसेज में मिलेगा तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वॉज द राइट मोमेंट ऑफ संतोष टू फाइट द कस्टम्स तो इस रिवाज से इस कस्टम से लड़ने के लिए सही वक्त क्या था संतोष के लिए तो आप देखेंगे इट वॉज वैन सी टर्न सिक्सटीन जब वो सोलह वर्ष की ऐज में आई थी दैट वॉज द राइट मोमेंट फॉर संतोष टू फाइट द कस्टम्स तो उसके बाद वो उस सिस्टम से उस कस्टम से लड़ने के लिए तैयार हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन वाई वो संतोष प्रेसराइज बाई हर पेरेंट्स वैन सी वर् सिक्सटीन जब वो सोलह वर्ष की थी तो संतोष के पेरेंट्स ने उसे क्यों प्रेशराइज क्यों किया, क्यों, किया, कि, किया? क्योंकि गर्ल्स मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर प्लेज यूज टू गेट मैरिड उनके अब विवाह कर दिया जाता था इसीलिए संतोष पेरेंट्स मींस टू गेट मैरिड विवाह करने के लिए उसे प्रेसराइज किया गया लास्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इन दैसेज मीन्स सफिशियंट मनी तो फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे एक वर्ड आया दैट इज अफ्यूंट अफ्लुएट इट मीन्स सफिसियंट मनी पर्याप्त धन या धनी और रिच होना तो इस वर्ड का मीनिंग है तो आंसर लिखेंगे द वर्ड एफिलियंट मीन्स सफिशियंट मनी तो ये पैसेज आपको खुद सॉल्व करना है तो इस तरीके से यह लेसन कम्प्लीट हुआ आई होप कि इसको आ, ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो मिलते हैं एक नए लेसन के साथ